पेट विकार का मानसिक कनेक्शन, इसमें हम जो मानसोपचार करते हैं तो उसमें क्या बातचीत होती है, या उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करते हैं तो उसमें क्या बातचीत होती है, उसके बारे में मैं आज यह वीडियो में बातचीत कर रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यह सब मैं हरदम बोलता हूँ कि पेट विकार का मानसिक कनेक्शन होता है। पेट विकार में सब तरह की जांच करने के बावजूद भी सब रिपोर्ट नील आते हैं, और उसके बावजूद भी दर्द तो हो ही रहा है, उसके बाद में अपचन है, एसिडिटी होती है, पेट फूल जाता है, लेटरिन साफ नहीं होती, हिचकी आती है, जी मचलाता है, उल्टी हो जाना, सभी तो विकार चालू रहते हैं मगर तकलीफ हो रही है और निकलता कुछ भी नहीं है। पेशेंट को लगता है कि एक बार निकल गया कुछ ना कुछ तो अच्छा है, मगर निकलता कुछ नहीं है। एंडोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, सब रिपोर्ट नॉर्मल आते रहते हैं और उसके बाद में तकलीफ पेशेंट को होती रहती है। इस समय फिर हम देखते हैं कि इसका मानसिक कनेक्शन कैसा है। भाई, आप अपने आप को हील कर सकते हैं क्या? और आप अपने आप को हील कर सकते हैं मतलब ठीक कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, यदि आपने मैं नीचे जो बातें दे रहा हूँ उसके ऊपर गौर किया तो। वो बातों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा और वो बातें आप कंप्लीट कर दे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। हिप्नोटिज्म करती है, हिप्नोथेरेपी होती है, और उसके अलावा ये पार्ट साइकोथेरेपी का है, CBT का है, कि जो हम करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अब ये कौन सी बातें हैं, कौन सी है, तो मैं आपको 13 टिप दे रहा हूँ अलग अलग, कि 13 टिप्स या 13 पॉइंट्स है कि जहाँ आप देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ मिल जाएगा जिसके ऊपर आप काम करके आपका पेट जो है वो ठीक कर सकता है। अब ये 13 बातें कौन सी है? नंबर 1, क्या आपको गुस्सा आता है? बार बार छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा आता है, और गुस्सा कब आता है? कि जब आपके मन जैसा होता नहीं है, तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है, जो अपेक्षा है, अपेक्षा पूर्ति होती नहीं है, आपके मन जैसा लोग बिहेव नहीं करते हैं तो आपको गुस्सा आता है। तो क्या आपको बार बार गुस्सा आता है? तो वो चिड़चिड़ापन जो है वो पेट के ऊपर निकल जाता है, नंबर 1। नंबर 2, क्या आप किसके साथ में नफरत करते हो? मतलब आपका वहाँ प्यार नहीं है, कोई कारण होगा, उसने आपको नाराज़ किया होगा या कुछ भी, जो भी कुछ कारण हो गया होगा, मगर आप वो व्यक्ति से नफरत करते हो, दुश्मनी है, उसे गुस्सा करते हो, नाराज़गी है, जो भी कुछ होगा, और उसके वजह से, नफरत के वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है, आपको वहाँ देखना पड़ेगा। नंबर 3, क्या आपको गिल्ट फीलिंग होता है? अपराध बोध की भावना है, गिल्ट फीलिंग। क्या होता है कि मुझे ऐसा कुछ मैं करता हूँ, सोच विचार या कुछ काम, कि जिसके वजह से मैं खुद के ऊपर ही मुझे गिल्टी लगता है कि मैंने अच्छा नहीं किया और मैंने ये करना नहीं चाहिए था। क्या होता है कि हम लोगों के सामने ठीक व्यवहार करते हैं मगर अकेला जब रहते हैं तभी आप ठीक व्यवहार कर रहे हैं क्या, या तभी भी कुछ बदमाशी हो रही है क्या अपने आप से, वो देखना पड़ेगा और आपको उसके वजह से गिल्ट लग सकता है। नंबर 4, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात के ऊपर चिड़चिड़ 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 करते रहना और लोगों को डांटते रहना, फटकारते रहना, और वो यदि आपका है तो आपको देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण है, और वहाँ आप काम कर सकते हो। नंबर 5, शिकायतें, छोटी छोटी बात के ऊपर आप शिकायत करते हो, कंप्लेंट्स करते रहते हैं, और जब आप कंप्लेंट करते हैं तो होता क्या है, जब कंप्लेंट करते हैं ना तो आपको काम नहीं करना है, आपको सिर्फ उंगलियाँ बताने की, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, मैं अच्छा हूँ और वो गधा है, उसको अक्ल नहीं है और वो बराबर काम नहीं कर रहा है, उसने ऐसा करना चाहिए, उसने वैसा करना चाहिए, हम लोगों को सलाह देते घूमते रहते या लोगों के बारे में शिकायत करते रहते, वो देखना पड़ेगा, आपको वहाँ जिम्मेदारी लेनी होगी। 6, आपके मन में बदले की भावना है क्या, रिवेंजफुल एटीट्यूड, कि किसने आपको कुछ किया होगा, आपके दिमाग में ऐसा लगता है कि उसका तो बदला मैं एक दिन लेके रहूँगा, और वो आपको बहुत अंदर दिमाग में खाते रहता है, खाते रहता है, खाते रहता है, और वो प्रॉब्लम करते रहता है, बदले की भावना। नंबर 7, क्या आपको ऐसा लगता है कि किसने गलती की होंगी वो आपके दिमाग में है और आप उसको माफ़ नहीं कर रहे, तो उसको माफ़ कर डालो। लोगों की जो भी गलतियाँ हो गई होंगी, लोगों ने आपके साथ में जो भी व्यवहार किया होगा, जैसा भी व्यवहार किया होगा, लोगों को माफ़ करो और अपने आप को भी माफ़ करना सीखो। आपको एक ही व्यक्ति माफ़ कर सकता है, वो है आप खुद। नंबर 8, अपूर्ण संवाद, मतलब अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन, जब आप रोक के रखते हो अपना संवाद, अपना कम्युनिकेशन रोक के रखते हैं, जो बोलना है वो साफ बोलते नहीं है, स्पष्ट वक्ता नहीं है आप, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, छुपा छुपा के बोलते रहते हो, कुछ भी छुपा रहे ऐसा लगता है, स्पष्ट क्लियर साफ सुथरा बोलते नहीं है, दिमाग में रखते हैं, उसका असर अपने पेट के ऊपर होता है। तो क्लियर बात करना, ट्रांसपेरेंट बात करना,
पारदर्शकता रखना, अपने संवाद में तो उसमें फायदा हो जाएगा। 9, पश्चाताप की भावना होना, बहुत ज़्यादा पश्चाताप होना कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया। और जब आपको पश्चाताप होता है अपने किए हुए कर्मों का, तो उसके वजह से भी आपको तकलीफ हो सकती है। 10, द्वेष करना। और किसका द्वेष करना बोले तो ये ऐसा है कि उसका बुरा हो जाएगा ऐसा मन में रखना, जहर खुद ने पीना, मतलब खुद ने जहर पी के वो मर जाएगा ऐसा इतना द्वेष का उल्टा असर होता है अपने दिमाग के ऊपर, अपने पेट के ऊपर, तो द्वेष करना तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। फिर 11, बहुत ज़्यादा क्रोध रखना है। और क्रोध रखना मतलब रिएक्शन बता देना, छोटी छोटी बात के ऊपर रिएक्शन करते जाना। और रिएक्शन जब आप करते हो तो बहुत ज़्यादा क्रोध दिमाग में चढ़ते रहता है, तो रिएक्टिविटी, एंगर ड्यू टू रिएक्शन, तो ये बहुत खतरनाक होता है शाबित, तो उसको भी आपको कंप्लीट करना पड़ा, उसके ऊपर भी आपको देखना पड़ेगा। 12, आपका किसने अपमान किया हो या आपने किसका अपमान किया है, उसको नीचा बताया है या किसने आपको नीचा बताया है, उसमें बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को लग जाता है बात, बहुत अपने को अच्छा लगता नहीं है, अपनी भावनाएं खराब हो जाती है, अपने डिप्रेशन आ जाता है। तो किसने भी आपका अपमान किया होगा, आपने किसका अपमान किया होगा, तो वो कंप्लीट करो, बातचीत करो, वो पूरा करो, ताकि वो दिमाग में रखने का नहीं है। 13, नाराज़गी मतलब नर्वसनेस, डिप्रेशन, कुछ घटना हुई है उसके प्रति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रखना, निराशा रखना, या कुछ अच्छा होने वाला नहीं है ऐसी बातचीत करना, तो ये जब नाराज़गी रहती है छोटी छोटी बात के ऊपर, तो उससे ज़्यादा भी पेट विकार हो जाता है। तो ये 13 बातें आप ख्याल में रखते हो, उसके ऊपर आप काम करते हो, तो आपका पेट विकार एकदम ठीक हो जाएगा। हमारा ऐप है डॉक्टर केड़कर मनोविकास ऐप, वो ऐप आप डाउनलोड कर लो, फ्री डाउनलोड है, उसमें अगर काफ़ी वीडियोस वगैरह है, सब इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, वो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और हमारे संपर्क में आप रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।